ऑफिसर्स, आज मैं सह्याद्री स्क्वाड के हर ऑफिसर पर जितना गर्व महसूस कर रही हूं वो शायद मैं बयान नहीं कर सकती। जिस निष्ठा और जिस शिद्दत से आपने अपनी ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक पड़ाव पार किया है, ये सिर्फ इस एकेडमी में एक मिसाल के तौर पर दिया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लोगों ने जो कुछ भी किया है वो रिकॉर्ड अब कोई नहीं तोड़ पाएगा। मुझे अपने एक एक ऑफिसर पर बहुत गर्व। शाबाश, वेल डन, वेल डन। ऑफिसर राहुल सर, आज आपने एक बात तो साबित कर दी कि अगर कोई रिश्ता सबसे ऊंचा है तो वो रिश्ता अपने देश के साथ है। आज मुझे आप पर बहुत फख्र है। वेल डन ऑफिसर, वेल डन। ऑफिसर जाकिर, मैं जब जब आपकी तरफ देखती थी मुझे सिर्फ एक ही बात का एहसास होता था, ये इंसान, ये ऑफिसर बहुत खुदगर्ज है कि ये कॉम्पिटिशन में सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोचता है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं, ये टीम स्पिरिट में विश्वास नहीं रखता। लेकिन आज, आज आपने मुझे गलत साबित कर दिया और इस बात से मुझे जितनी खुशी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती। आज आपने असल टीम स्पिरिट दिखाई और उससे भी ज्यादा मुझे फख्र इस बात का है कि आपने अपनी कमजोरी पर विजय पा ली। Congratulations, officer. Well done. Very well done. Thank you, sir. Officer Zakir, बहुत कमाल की ट्रेनिंग दी है आपने अपनी अपनी स्टूडेंट संध्या को। Well done, officer. Well done. भले ही प्रैक्टिस सेशन में आपकी स्टूडेंट के स्कोर्स कम थे लेकिन असल परीक्षा में आपकी इसी स्टूडेंट ने जो कमाल दिखाया है वो सचमुच काबिले तारीफ। आपने आज अपना टेस्ट पास कर लिया। सर, मैं हमेशा समझता था कि एक सच्चे आईपीएस ऑफिसर को कभी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए और एक आईपीएस ऑफिसर का परिवार उसे कमजोर कर देता है, भावनाओं में बहा देता है। पर सर, अगर आज आपको अगर संध्या में कोई सुधार दिखता है तो वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, वो उसके परिवार और उसके हस्बैंड सूरज जी की वजह से है। वैसे इसमें दो और लोगों की मेहनत भी शामिल है, ऑफिसर सिंह और ऑफिसर राहुल। मैं कुछ समझा नहीं सर। याद है वो दिन जिस दिन ऑफिसर सिंह ने लक्ष्य की जगह खुद पोजीशन पर खड़े होकर ऑफिसर संध्या को फायर करने का ऑर्डर किया? उस दिन राहुल साहब मैम ने कल्याण किया पर ट्रेनिंग खत्म होने का आज, पर संध्या का निशाना अभी भी बहुत कमजोर है। ऐसे स्टूडेंट को हम आईपीएस की पोस्ट कैसे देते? इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। सर, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया?
हम सबको पता है कि ऑफिसर संध्या का निशाना कितना भी है, और उन्हें इस बात का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि एक पुलिस ऑफिसर का निशाना अगर वीक होता है या चूक जाता है वो उसके लिए कितना भारी पड़ सकता है। हमें कुछ भी करके निशानेबाजी में उन्हें मजबूत बनाना होगा। आज मैं उन्हें बुलाऊंगी और उनसे शूट करवाऊंगी। लक्ष्य मेरा हाथ होगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो अपना निशाना आज भी चूक जाएंगे, और पीछे से आप मेरे हाथ पर गोली चलाएंगे जो टारगेट होगा। जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनका निशाना चूक जाने की वजह से मुझे चोट लगी है, तो उन्हें सही निशानी की अहमियत समझ में आएगी। यस सर। नहीं नहीं सर, लेकिन अगर मेरा निशाना चूक गया तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता सर। I'm sorry, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आपको गलत फहमी हो रही है। मैं ना तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना ही आपकी राय पूछ। दिस इज एन ऑर्डर, समझे आप? और आप भले रिस्क उठाना चाहें या ना चाहें, मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि हमारी ये कोशिश उन्हें एक अच्छा निशानेबाज बनाएगा। हमसा, आपने मेरे गुरु के रूप में ये सब किया, तो बड़ा खतरा उठाया, ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे जैसी गुरु मिले। सच बताऊं तो पहले मैं ये रिस्क लेने को कभी तैयार नहीं हूं, लेकिन हर टास्क में आपके सुधरते प्रदर्शन को देखकर मैं कन्विंस हूं कि आप कोई ऑर्डिनरी कैडेट नहीं। जब आप पहली बार अकेडमी में आए तो मुझे नहीं लगा था कि आप ट्रेनिंग पूरी भी कर पाएंगे, और बेस्ट कैडेट ट्रॉफी उसके साथ आपका नाम जोड़ना तो मैं न सपने में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन आज जो आपने किया है उसके बाद न सिर्फ मुझे आप पर गर्व, बल्कि आपके पति, आपके परिवार और इस पूरी एकेडमी सबको आप पर फख्र। और आज मेरी सोच गलत साबित होने के बावजूद मैं बहुत खुश हूं। मैं जानती हूं कि आप एक बहुत काबिल, बहुत अच्छी आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, और बहुत ही निष्ठा के साथ समाज की सेवा और सुरक्षा करें। यस सर, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑफिसर संध्या। ऑफिसर्स, हमारा जंगल टास्क आज बहुत ही शानदार तरीके से खत्म हो रहा है। ऑफिसर्स, अब वो समय आ गया है जब आप सबको एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन याद रहे कि बेस्ट कैडेट ट्रॉफी की दौड़ अभी भी जारी है। ऑफिसर्स, आप एकेडमी से मदद मंगवाइए और इन सारी डेड बॉडीज को यहां से उठवाइए। लेकिन एक बात से मैं अभी भी बहुत नाराज हूं। क्या? क्या सर? क्यों सर? क्यों सर? मेरे हाथ कौन खोले? सॉरी सर। के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
इंस्टा प्लस यूट्यूब पेज को।